हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक ही हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं काफ्तान टॉप। जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ट्रेंडी है आजकल, बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसकी कुर्तियाँ भी, टॉप भी लड़कियाँ जीन्स के साथ वेयर कर रही हैं। तो आज मेरी मम्मी आप सबको काफ्तान टॉप, जो कि मेरे लिए बना रही है, उसको बना के दिखाएगी कि कितना इजी है और कितना सोवर लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो फिर आप सब हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं कि मम्मी कैसे बना रही है, इस टॉप को कैसे तैयार कर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कपड़ा है मेरे लिए लिया, ये कॉटन का कपड़ा है, प्योर कॉटन का। और ये काफ़ी चौड़ा अर्ज, यानी जो चौड़ाई है इसकी काफ़ी है, क्योंकि इसकी चौड़ाई है 23x46, यानी 46 इंच इसकी चौड़ाई है। कि फ्रेंड्स, इसे मैं जीन्स के साथ पहनूंगी, तो ये मुझे ज़्यादा लंबा नहीं सिलवाना, इसीलिए सिर्फ 1 मीटर कपड़ा लिया है। आप लोग अपनी लेंथ के हिसाब से इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर भी ले सकते हैं आप इसको। अगर आप कुर्ती बनाना चाहते हैं तो अपनी लंबाई के हिसाब से आप उसको लंबा और कपड़ा ले सकते हैं, 2 मीटर या जितना भी आप पे अच्छा लगे आपको, उतना आप ले सकते हैं। तो मम्मी इसको काटने जा रही है, तो देखते हैं कैसे कटिंग करेगी। ये फोल्ड कर लिया। कपड़े के मम्मी बीचों बीच सेंटर में नेक बनाना है इसका। फ्रेंड्स, इसी तरह से कपड़े को आप फोल्ड करके सेंटर में बिल्कुल नेक बनाएं, दोनों तरफ बराबर हिस्से रखें, दोनों साइड में, जो शोल्डर के साइड में जो कॉर्नर जाएंगे वो आप बराबर रखें इसको। इस पे मैं बोट नेक बनाऊंगी। अच्छा, बोट नेक बनाने जा रही है मम्मी मेरे लिए। बट आप सबको, अगर बोट नेक किसी को पसंद नहीं है तो आप दूसरा कोई भी गला चूज़ कर सकते हैं, कोई भी गला इसमें बन सकता है। बिकॉज़ ये टॉप बन रहा है तो मुझे ज़्यादा डीप नेक पसंद नहीं है, तो इसीलिए मम्मी इसमें बोट नेक बना रही है मेरे लिए। फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि ये काफ्तान है, साइड में कपड़ा इसका रहेगा, इसलिए कोई भी शेप नहीं दिया जा रहा है कट में। अभी इसको सीधा बस उसको साइड में जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा है उसी को हटाया जा रहा है, थोड़ा बहुत, बिना शेप के। ये सारी सिलाई में ही इसके पूरी शेप आएगी। ये इसका गला कट रहा है, यानी नेक बन रहा है, कट रहा है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका बिल्कुल सेंटर में मम्मी ने नेक इसका काट लिया है, ये देखिए पूरी तरह से। अब आगे ये देखिए, दोनों साइड ये बिल्कुल बराबर मम्मी ने रखा है। अब इसका काम होगा। अभी तो आपको ये सिर्फ एक चौड़ा सा कपड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तब देखिएगा कितना सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, ये गला रेडी हो गया है, ये देखिए। और अब आगे ये जो इसके किनारे हैं, ये जगह, ये जो साइड में, बाजू के साइड में जो है, ये सारे किनारे, इनको फोल्ड करके इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करके अब पूरी सिलाई लगाएंगे, इसको कवर करेंगे दोनों तरफ। ये तीरा से नीचे जो साइड बाहर डिज़ाइन सा लटकेगा वहाँ पे, ये पूरा। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये मम्मी ने निशान लगाया है कंधे से लेके ये नीचे कमर तक 12 इंच में। मेरे कंधे से कमर तक की लंबाई 12 इंच है, तो आप सब अपने कंधे से लेंथ आप लोग नाप लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जो जितना भी होगा, 12, 12.5 या 13 इंच। और इधर जो यहाँ पे ये 6 इंच, ये फ्रिल टाइप का जो भी साइड में लटकेगा उसके लिए 6 इंच छोड़ेंगे। और यहाँ पर जो ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ, अब ये इलास्टिक लगेगा, ये यहाँ पे कमर पे इलास्टिक लगेगा, ये इस तरह से। अब ये इस पे इलास्टिक लगने लग गया है इस तरह से। एक
एक साइड ये इलास्टिक लग गया है, ये देखिए अच्छे से ये शेप आने लग गया है इस तरह से कमर का। और अब दूसरी साइड भी, ये इस साइड भी लगेगा। फ्रेंड्स ये इलास्टिक लग गया है कमर पे, तो अब ये लास्ट स्टेप इसका कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कंधे से 6 इंच बगल लिया है मम्मी ने, इसको छोड़ के यहाँ से सिलाई लेके कमर से होते हुए पूरे नीचे तक अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो ये फिर टॉप कंप्लीट हो जाएगा दोनों तरफ से। इसी तरह से नाप ले आप बगल से, दोनों तरफ से बराबर करके इस तरह से 6 इंच मम्मी ने मेरे लिए लिया है, आप अपने हिसाब से अपने नाप के हिसाब से ले ले। फ्रेंड्स जैसे रेड कलर का जो अभी काफ्तान टॉप बनाया है मम्मी ने, ऐसे ही ये पीच कलर का भी मेरे लिए एक और बना रही है। ये लगभग तैयार हो ही गया है, इसमें इलास्टिक भी लग चुका है कमर पे, गला भी बन चुका है, साइड भी हो गया है। बट मैं इसका वीडियो आपको इसलिए आपके लिए नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो, दोनों सेम टॉप है तो बस इसके कॉर्नर जो है वो फोल्ड करना रह गया, मोड़ना रह गया है। तो उसके बाद ये टॉप भी तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दोनों टॉप एक साथ दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये टॉप हो गया है रेडी, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बैक में भी देखिए दोनों तरफ सेम है, इसके दोनों तरफ सेम बनाया है जिससे कि कोई भी साइड मैं इसको पहन सकती हूँ। फ्रेंड्स देखिए इसी तरह का मम्मी ने मेरे लिए ये वाला भी सिला है, ये देखिए ये दूसरा है, और ये दो दो टॉप सिले हैं मम्मी ने मेरे लिए। इसके लिए मम्मी ने मेरे सामने वी नेक बना के दिया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जा रही हूँ अब इनको ट्राई करने के लिए, और मैं फिर दिखाती हूँ कि ये टॉप कितने सुंदर लगेंगे और ज़्यादा सुंदर लगेंगे जब मैं इनको पहनूँगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये टॉप पहन लिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है, फिटिंग देखिए इसकी, बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप सब बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है। अब मैं सेकंड वाला पहन के आती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए सेकंड वाला भी, ये पीच कलर वाला ये टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिटिंग देखिए इन दोनों की बहुत अच्छी आ रही है ये। तो फ्रेंड्स आप सबको ये टॉप के आइडियाज़ कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये काफ्तान टॉप जो मेरी मम्मी ने सिले हैं आप सबको कैसे लगे हैं, और आप सब भी ये डिज़ाइन ट्राई ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल भी है, और दूसरा ये क्योंकि ट्रेंडी है, आजकल ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने मम्मी से ये अपने लिए टॉप रेडी कराया। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा टॉप ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये आइडिया कैसा लगा। प्लस प्लीज़ अगर जिसने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह के जो भी नए वीडियोस हम बनाएं वो आप तक पहुंचते रहे और आप सबका हमें ढेर सारा प्यार मिलता रहे। तो मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। ओके फिर आज के लिए बाय।